या आई एस दे रहे हो या सी एम आई दे रहे हो या एन बी एच एम जो भी आप देना चाह रहे हो अभी आप ग्रेजुएशन के किसी पड़ाव में होंगे या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी है आपको मन है कि आप फिर से आई टी जैम का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या टी एफ आर का एग्जाम देना चाहते हैं क्योंकि तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं जाता है जो इस बार दिए होंगे या फिर भी वो ये उम्मीद में है कि नहीं मैंने बहुत मेहनत किया है और इस बार मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा आने वाले आई आई टी जैम और ये सारे एग्जाम्स में उनको मैं बता दूं कि डेट जो हमारा है आई टी जैम का वो तो डेट है एक तो दो मई से होगा सेकेंड ऑफ मई और दूसरा सेकेंड ऑफ जून से तो जो भी बच्चे आई टी जैम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए या आई एस आई के लिए सी एम आई के लिए और अपना टी एफ आर के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं वो दो मई से यहाँ जो क्लासेस स्टार्ट होंगे रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए करना क्या है आपको अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लिख के मेल कर देना है नोबल फोरम जीरो अपना नाम लिख के मेल कर देंगे नोबल फोरम जीरोक्ट यू एंड सारे कुछ चीजें हो पाए बाकी एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ वो सारे स्टूडेंट्स को जिनका इस बार एग्जाम दो विजय का एग्जाम रहा हो या टी एफ आर जिन्होंने नहीं पास कर पाए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका एग्जाम टी एफ आर का हुआ इनफैक्ट बहुत आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका रिटर्न भी निकला होगा लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया अभी रिजल्ट आए नहीं है या आएंगे आ, लेकिन आपको पता चल गया कि हाँ यार थोड़ा सा और मेहनत करता जो पेपर पकड़ और अच्छा करता तो शायद मेरा अच्छा जा सकता था आप लोग को अब रियलाइज हुआ क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ने इस टाइप के मेल्स भेजे जैसे थोरिटिकल क्वेश्चन थे मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और कास्ट में उसमें ध्यान दे रहा था कास्ट में उसमें आपसे जुड़ा रहता था तो आज मेरा एग्जाम्स बहुत अच्छा गया होता तो ये अफसोस नहीं होता तो कोई बात नहीं मेरा कहना है कि जब आपको समझ में आ जाए कि क्या गलतियां हुई हैं और उसको आप करेक्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है लेकिन अब आप करेक्ट करो और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके प्रति आप लगो बहुत अच्छे से लगो देखना बहुत अच्छा होगा ठीक है बाकी चीज़ें आगे पीछे उन्नीस बीस होते रहेंगी लेकिन अपना मैथ के प्रति जो इंटरेस्ट है समझना सीखना और उसको अच्छे से पढ़ना वो कंटिन्यू रखना है रिसर्च माइंडसेट जो आपके अंदर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं के दिमाग के लिए साथ अगर, आपका बहुत अच्छा नहीं है, अगर आप कहीं बी एस भी कर रहे हैं और आपको पता है कि यार मेरे फाउंडेशन बहुत अच्छे नहीं है बहुत ही खराब है आपने एग्जाम भी दिया होगा वैसे चेक किया पता चल गया कि नहीं अच्छा है कोई बात लेवल जीरो तो अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट है जज्बा है सीखने का और कहीं ना कहीं आप टारगेट रखते हो अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के लिए ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा तो आई आई जैम का जो रेगुलर बैचेज हैं दो मई दो जून से स्टार्ट हो रहे हैं दो बैचेज दो मई और दो जून से तो आपको इसके लिए करना क्या है आप अपना नाम लिख के मेल कर देंगे मुगल फोरम जीरो फाइव एट द रेट जेमेल डॉट कॉम पर वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ ही साथ आप ये भी मेंशन करें कि आप अभी किस ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है क्या चीज़ें हैं तो आप लोग मजे से पढ़ेंगे ठीक है ना मजे से पढ़ेंगे सीखेंगे एंजॉय करेंगे और जो भी आपका टारगेट है जो भी आपका ड्रीम है इससे भी इम्पोर्टेंट जो मैथ में एक इंटरेस्ट है वो आगे उसमें कुछ अच्छा करना वो शायद अच्छा हो पाए ठीक है तो बाकी टेंशन लेना नहीं है अच्छे से रहें मैथ्स पढ़ें मैथ्स सीखें और मिलते हैं बहुत ही जल्द मैथ्स में ठीक है थैंक यू केयर